उत्तर प्रदेश में कर्फ्यू नहीं लगता, आज कावड़ यात्रा निकलती है। कावड़ यात्रा याद है ना, आज कर्फ्यू नहीं, आज दंगा नहीं, आज गुंडा टैक्स नहीं। गुंडा टैक्स वसूली करने वालों की सबकी गर्मी शांत हो गई ना। मैंने कहा था ना विधानसभा चुनाव में, मैंने कहा था देखो निश्चिंत होकर के काम करिए। और मैं तो आभारी हूं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की माताओं और बहनों का, जिनका सर्वाधिक आशीर्वाद मिला था। उन्होंने कहा न जाति न मत न मजहब, केवल और केवल कमल का फूल देख करके हम लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे, क्योंकि माता बहनों को हर एक को अपनी बेटी सुरक्षित होनी चाहिए और सुरक्षा की गारंटी चाहिए। ये डबल इंजन की सरकार ने दिया था और तब भी मैंने कहा था माता और बहनों का आशीर्वाद है तो कमल चुनाव चिन्ह को और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आने से कोई रोक नहीं सकता है। और उसी ताकत का एहसास कराते हुए मैंने कहा था तब कि जो लोग गर्मी दिखा रहे हैं ना, 10 मार्च आने दीजिए, 10 मार्च 2022, मैंने कहा 10 मार्च को जब बैलेट ईवीएम खोलेंगे ना तो उसमें केवल कमल ही कमल नजर आएगा। और भाइयों बहनों, फिर से प्रदेश के अंदर आपके आशीर्वाद से सरकार बनी। जो गर्मी दिखा रहे थे उस समय, गर्मी सबकी शांत हो गई होगी, वैसे भी मौसम बहुत सुहावना हो गया, कल तो बहुत गर्मी थी। गुंडा टैक्स वसूली करने वाले कहां चले गए कोई पता ही नहीं, कोई उनके लिए दो बूंद आंसू बहाने वाला भी नहीं। उससे पहले दंगों की आग और कर्फ्यू का कफन, न बेटी सुरक्षित न माताओं का सम्मान, तुष्टीकरण की राजनीति और पलायन का दर्द, यही सामली की पहचान बन चुकी थी। और भाइयों बहनों, इन 6 वर्षों में डबल इंजन की सरकार ने व्यापारी सुरक्षित, बेटियां सशक्त, व्यापार के लिए स्वनिधि, हर घर नल की योजना का लाभ, शांति सुरक्षा और सौहार्द समृद्धि चौहोर, यही आज हम सबकी पहचान बन चुकी है। और इसीलिए मैं आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं, आप सबसे मुझे ये अपील करना है, आखिर हम अपने युवाओं को कैसी सुविधा चाहते हैं, क्या कैसा चाहते हैं, कैसे युवा चाहते हैं? हमारे युवाओं के हाथों में तमंचे होने चाहिए या टैबलेट होने चाहिए? हमें गोलियों की आवाज वाली गलियां चाहिए या भजन गंगा बजने वाली गलियां चाहिए? हमें रंगदारी वसूलने वाले गुंडे चाहिए या फिर सरकार की योजना को स्वनिधि के माध्यम से व्यापारी तक पहुंचाने वाले जनप्रतिनिधि चाहिए? सौदों का आतंक चाहिए या सेफ सिटी चाहिए? सनांद मारती हुई गलियां चाहिए या स्मार्ट सिटी जैसे स्वच्छ और सुंदर नगर चाहिए? यह आपको तय करना है।